Assalamu alaikum 6th class, how are you all students? I hope you all are doing well. This is your geography lecture and I am here Professor Aisha, your subject teacher. Today date is 3rd of September 2020 and day is Thursday. Okay students, take out your notes and open unit number 3, Earth as home for human being. And we are going to do long questions which are on page number 48 on your notes. So okay, manage up yourself for learning of today's lesson. So now let's start question number 3. What is meant by natural environment? Also write a note on the relationship between forest and human beings. So natural environment means all living and non-living things that are naturally found on earth. Natural environment क्या है? तमाम living और non-living things जो कि naturally ज़मीन पर पाई जाती हैं, these are called natural environment. Okay, forest and human beings, the relationship between forest and human beings, the relationship of ह्यूमन बींग्स विद फॉरेस्ट इज़ वेरी ओल्ड. जो इंसानों का जंगलात के साथ रिलेशनशिप है वो बहुत ही पुराना है. लम्बरिंग एंड गैदरिंग श्रब्स, लम्बरिंग इज़ द नेम ऑफ वुड एंड गैदरिंग श्रब्स. श्रब्स क्या है? झाड़ियाँ, झाड़ियों को गैदर करना. हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ एंड फ्रूट्स फ्राम फॉरेस्ट इज़ एन एंशियंट प्राइमरी एक्टिविटी. सब कुछ जंगलात से हासिल करना बहुत पुराना कदीम काम है. वुड इज़ ऑफ वाइटल इम्पॉर्टेंस इन एंशियंट एंड मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टू. लकड़ी हमारी पुरानी कदीम तहजीब का भी और इस तहजीब का भी आज के दौर में भी बहुत अहमियत रखती है. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नेचुरल रबर, पेपर, रबर की मैन्युफैक्चरिंग, पेपर की एंड शिप्स इज़ डिपेंडेंट अपॉन फॉरेस्ट. सब कुछ जंगलात पे डिपेंड करता है. फॉरेस्ट आर बेसिक सोर्स ऑफ ऑक्सीजन. जंगलात क्या हैं? हमारे सांस लेने का अहम ज़रिया है, ऑक्सीजन फ्राहम करते हैं एंड ऑल्सो इफ़ेक्ट द क्लाइमेट और हमारी आबो हवा पे बहुत असरअंदाज करता है. सो दिस इज़ द शॉर्ट रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेस्ट एंड ह्यूमन बींग्स. नाउ वी आर गोइंग टू वर्ड लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4. Write about the human beings and the life on earth. So let's start. Human beings catch fish, hunt birds and animals to get food. इंसान क्या करते हैं कि फिश को पकड़ते थे, बर्ड्स का शिकार करते थे also and animals to get food और जानवरों का शिकार करते थे अपनी खुराक हासिल करने के लिए. besides they use animals for work according to the environment. अपने environment के हिसाब से जानवरों को अपने काम के लिए भी इस्तेमाल करते थे, उनकी हेल्प लेते थे, उनके ज़रिए अपने काम मुकम्मल करते थे. इन snowy areas dogs are used to pull wooden sleds. क्या करते हैं कि snowy areas जो हैं जहाँ पे snowfall होती है वहाँ पे वो लोग dogs इस्तेमाल करते हैं उनकी wooden sleds को pull करने के लिए. and in deserts camel is used to carry things and for travel. deserts में वो क्या करते हैं कि ऊँट इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को कैरी करने के लिए और अपने ट्रैवल के लिए. एंड एलिफेंट आर यूज फॉर हैवी ट्रांसपोर्टेशन. हाथी इस्तेमाल करते थे हाथी अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो कि बहुत हैवी ट्रांसपोर्टेशन के लिए. ऑक्सन, ऑक्सन इज़ बैल, आर यूज्ड फॉर ट्रेडिशनल कल्टीवेशन. कल्टीवेशन के लिए, ट्रेडिशनल कल्टीवेशन के लिए ऑक्सन इस्तेमाल करते थे. हॉर्सेज एंड डंकीज हैव बीन ऑल्सो अ सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्राम एंशियंट टाइम्स. घोड़े और गधे भी वो अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करते थे पुराने लोग. एंड शीप्स आर रेड टू गेट वूल. ऑल्सो सिल्क इज़ अटेंड फ्राम सिल्क वॉर्म्स विच आर रेड ऑन मलबेरी प्लांट्स. मलबेरी प्लांट्स से वो लोग सिल्क वॉर्म्स को गैदर करते थे. So students, our 3 units are about to end. Inshallah, in next lecture we will start a next unit with some new concepts. So
Now look at your learning tasks. Write down these two questions on your booklets as your homework and must learn them very well with correct spellings. Also must do reading from your books for better understanding and for clear concepts. So take care of yourself. Allah Hafiz.